हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूज। अब देखिए, कुछ विशेष प्रकार के नाउन्स, जनरली हम लोग नाउन्स का प्लूरल बनाते हैं उसमें एस या ईएस लगा करके, लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल हम एस या ईएस से नहीं बना सकते, कुछ डिफरेंट वे होता है उसका बनाने का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो कुछ लिस्ट है, उसको आप लोग ध्यान में रख करके पढ़िए। इधर हम लिखते हैं सिंगुलर और इधर हम लिखते हैं प्लूरल। एक वर्ड है फेनोमेनन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है फेनोमेनन, और फेनोमेनन का प्लूरल फेनोमेनन्स नहीं होगा, फेनोमेना, फेनोमेना। क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जाते हैं, ऑल दीज आर नेचुरल फेनोमेनन्स, ऑल दीज आर नेचुरल फेनोमेनन्स, आपको भी लगेगा ये सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो ऑल दीज आर नेचुरल फेनोमेनन्स, फेनोमेनन का प्लूरल आपका फेनोमेनन्स नहीं होगा। यदि आप फेनोमेनन्स लिखते हैं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, फेनोमेनन का प्लूरल क्या होता है, फेनोमेना। तो ऑल दीज आर नेचुरल फेनोमेना, इन प्लेस ऑफ फेनोमेनन्स आपको फेनोमेना लिखना है। उसी तरह से क्राइटीरियन, क्राइटीरियन, क्राइटीरियन का प्लूरल क्राइटीरियंस नहीं होगा, क्राइटीरिया। क्राइसिस, क्राइसिस का प्लूरल होता है क्राइसिज। एनालिसिस, एनालिसिस का प्लूरल होगा एनालिसिज। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का प्लूरल होगा हाइपोथेसिज। आप देख रहे हैं कि जिसमें आई एस लगा हुआ है उसका प्लूरल करने के लिए हम उसको ई एस में लगा दिए। और सारे देखिए, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरियम्स नहीं होगा, इसका होगा बैक्टीरिया। अजेंडम, अजेंडम का प्लूरल अजेंडम्स नहीं होगा, अजेंडा, अजेंडम का प्लूरल अजेंडा। डेटम, डेटम का प्लूरल डेटा। मीडियम, मीडियम का प्लूरल दो, इसके मीडियम दो होते हैं, इसके प्लूरल दो होते हैं, एक मीडिया और दूसरा मीडियम्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया और हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम्स। स्ट्रैटम, स्ट्रैटम का मतलब क्या होता है, परत, सतह, एवरी स्ट्रैटम ऑफ रॉक, स्ट्रैटम परत या सतह, इसका प्लूरल होगा स्ट्रैटा। स्टेडियम, स्टेडियम के भी दो प्लूरल हैं, स्टेडियम के दो प्लूरल, एक स्टेडिया और दूसरा स्टेडियम्स। जनरली हम लोग ज्यादातर स्टेडियम्स ही यूज करते हैं, लेकिन इसका प्लूरल स्टेडिया भी है। लेकिन हारमोनियम की जब जहां तक बात आ गई, हारमोनियम एक्सेप्शनल है, यूएम वाले में हम देखते हैं कि ए लगा करके प्लूरल किए, लेकिन हारमोनियम का हारमोनिया आप नहीं लिख सकते, आप हारमोनियम्स लिखिएगा, हारमोनियम्स। पेट्रोलियम का पेट्रोलियम्स, पेट्रोलिया आप लिख दीजिएगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे नाउन्स हैं, आपको ध्यान में रखना होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, और ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में बहुत अधिक है, और जिसके कारण मैंने ये सभी एक्सप्लेनेशन किया, और आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। अब देखिए, उनके प्लूरल से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब देखिए, एक शीप, फिश और डीर, तो शीप, फिश और डीर, इनका आप लोग प्लूरल कर दीजिएगा, शीप का शीप्स, फिश का फिशेस, डीर का डीर्स, लेकिन ये सभी रॉन्ग, रॉन्ग। फिश, शीप का प्लूरल शीप्स नहीं होगा, फिश का प्लूरल फिशेस नहीं होगा जनरली, और डीर का प्लूरल डीर्स नहीं होगा, जनरली नहीं होगा।
तो कब इनका प्लुरल होगा कब उनका प्लुरल नहीं होगा। तो पहले तो हम लोग जनरल रूल जाने, ये सभी ऐसे नाउन्स हैं जिनका फॉर्म सिंगुलर और प्लुरल दोनों में एक ही तरह का होता है, यानी शीप फिश डीर एटसेट्रा डू नॉट चेंज देयर फॉर्म इन प्लुरल। प्लुरल में इनका फॉर्म चेंज नहीं होगा। यदि हम लोग लिखते हैं तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं तो हम लोग लिखेंगे देर आर अ लॉट ऑफ फिशेस इन द पॉन्ड। आपको लगेगा कि ये सही है, देर आर अ लॉट ऑफ फिशेस इन द पॉन्ड, बट एज फार एज ग्रामर इज कंसर्न्ड द प्लुरल ऑफ फिश इज नॉट फिशेस, द प्लुरल ऑफ फिश इज फिश। देर आर a lot of sheep in the field। आपको लगेगा कि ये सही है, एक भेड़ तो sheep, बहुत सारे भेड़ हैं तो sheep, लेकिन ग्रामेटिकली रॉन्ग है ये, और ये यहां sheep ही होना चाहिए, there are a lot of sheep in the field। लेकिन आप लोग कभी कभी पढ़े होंगे कि fish का plural fishes, बहुत जगह हम लोग लिखा हुआ देखे हैं, बहुत जगह मिलता है लिखा हुआ कि fish का plural fishes, तो वो किस केस में होगा, जब एक ही प्रकार की बहुत सारी मछलियां रहेंगी एक ही टाइप की तो उसका प्लुरल भी फिश ही होगा, और जब विभिन्न प्रकार की मछलियां अवेलेबल हो, जब डिफरेंट काइंड्स की बात हो, डिफरेंट टाइप्स की बात हो, डिफरेंट फॉर्म्स की बात हो, तो आप वहां फिश के जगह पर फिशेज कर सकते हैं, शीप के जगह पर शीप्स कर सकते हैं, और डीर के प्लेस पर डीर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट kinds of fishes in the aquarium there are different kinds of fishes in the aquarium। तो different kinds लगा हुआ है जिससे पता चल जाता है कि विभिन्न प्रकार की मछलियों की बात हो रही है, तो आप यहां fishes कर सकते हैं और ये grammatically आपका correct है और ये आपका सही जवाब हो सकता है। तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शीप्स, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डील्स एटसेट्रा, वी कैन राइट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब ऐसे नाउन पर विचार कीजिए जो संख्या बताते हो, डजन, हंड्रेड, स्कोर, थाउजेंड एटसेट्रा। इसमें ऐसे वर्ड्स होंगे जो संख्या बताते हैं, डजन 12 की संख्या, हंड्रेड 100 की संख्या, अस्कोर 20 की संख्या, थाउजेंड 1000 की संख्या। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दो प्रकार के एग्जाम में आते हैं, कब इनका फॉर्म डजन से डजन्स होगा, हंड्रेड से हंड्रेड्स होगा, और कब इनका फॉर्म चेंज नहीं होगा, और कब इनका फॉर्म चेंज होगा। तो दो प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आते हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, आई हैव बॉट 3 dozen और dozens bananas। आई हैव बॉट 3 dozens bananas। तो 3 dozen, 3 दर्जन की अंग्रेजी 3 dozens नहीं होगा, 3 dozen होगा। 400 की अंग्रेजी 400s नहीं होगा, 400। देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। तो देर आर 400 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, और अब आपको पता लगाना है कि 100 होना चाहिए या 100s होना चाहिए, तो यहां पर है कि 100s नहीं होगा, यहां पर 100 होगा, 400 स्टूडेंट्स। एक प्रकार से और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यदि हमको लिखना हो सैकड़ों विद्यार्थी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, सैकड़ों विद्यार्थी, अब यहां पर आपको चुनना है कि आप क्या कीजिएगा, 100 और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर रीडिंग
इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम. तो यहां पर हंड्रेड नहीं होगा, यहां हंड्रेड्स होगा, यहां पर प्लूरल फॉर्म में आएगा. दर्जनों किले खरीद लिए गए हैं, डजन और डजन्स ऑफ बनानाज हैव बीन बॉट, हैव बीन बॉट, हैव बीन बॉट. तो डजन और डजन्स ऑफ बनानाज, तो यहां पर डजन्स ऑफ बनानाज. डिफरेंस क्या है ये देखिए, यहां पर हम लिखे थे तीन दर्जन केले खरीद लिए गए हैं, मैंने तीन दर्जन केले खरीदे हैं, तो केलों की संख्या निश्चित है, ये डिफिनिट नंबर को शो कर रहे हैं, डिफिनिट नंबर. 400 लड़के, डिफिनिट नंबर, डिफिनिट नंबर. लेकिन सैकड़ों लड़के, दर्जनों केले, तो सैकड़ों लड़के पढ़ रहे हैं, तो ये तो फिक्स नहीं है कि 400 लड़के हैं, 300 लड़के हैं, 800 लड़के हैं, 900 लड़के हैं, इनडिफिनिट नंबर. और जब इनडिफिनिट नंबर की बात होती है, इनडिफिनिट नंबर की बात होती है, तो आप उसमें एस लगा सकते हैं, और डिफिनिट नंबर की जब बात होगी तो आप उसमें एस नहीं लगाएंगे. इसमें देखिए, डजन नो डजन सो बनाना है बिन बॉट, दर्जनों के लिए खरीद लिए गए, तो डिफिनिट नहीं है कि कितने दर्जन, इनडिफिनिट नंबर. तो इनडिफिनिट नंबर की जब बात होगी तो उसमें एस या आई एस लगेगा, इनको आप प्लूरल फॉर्म में ला सकते हैं, इनडिफिनिट नंबर ये है, और इनको प्लूरल फॉर्म में लाया जा सकता है. एक प्रकार से और आप समझ सकते हैं कि यदि डजन, हंड्रेड, स्कोर, थाउजेंड के पहले कोई काउंटिंग नंबर लगा हो तो उनका प्लूरल नहीं होगा, और यदि काउंटिंग नंबर नहीं लग करके, और यदि ये ऑफ कंस्ट्रक्शन रखते हो अपने बाद, तो आप एस या आई एस में लगा सकते हैं. इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं. हाँ तो फ्रेंड्स, आज इतना ही. यदि आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया.